भारत बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला ढाका के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि खेल के चौथे दिन टीम इंडिया को जैसे तैसे जीत नसीब हुई। भारतीय टीम ने 74 रनों पर अपने 7 विकेट गवाए और 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ढेर नजर आई, लेकिन अंत में 8वें विकेट के लिए श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन के बीच 74 रनों की साझेदारी हुई, जिसके बाद टीम इंडिया ने अंत में इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अश्विन ने जहां 42 रनों की पारी खेली तो वहीं श्रेयस अय्यर ने अश्विन का इस साझेदारी में अच्छा खासा साथ निभाया। लेकिन अब इन दोनों की पारी के चलते टीम इंडिया ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें 90 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। आपको बता दें कि ये रिकॉर्ड 1932 का है और ये रिकॉर्ड इंडिया के सबसे पहले टेस्ट मुकाबले का है। आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर के बीच 71 रनों की ये साझेदारी भारतीय क्रिकेट में चौथी पारी के दौरान 8वें विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। आपको बता दें कि 1932 में अमर सिंह और लाल सिंह के बीच चौथी पारी में टीम इंडिया के लिए 8वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी हुई थी, जिसके बाद अश्विन अय्यर की ये दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। बताते चले कि इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन को उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के चलते मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। रविचंद्रन अश्विन के अलावा चेतेश्वर पुजारा को भी प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। अब इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने साल 2022 का अंत जीत के साथ किया है। वहीं 2022 में इंडिया को शुरुआत में हार तो मिली थी, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। क्रिसमस के दिन भारत ने इस मुकाबले को जीत कर अपना नया साल बेहतर बना लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।